नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जम्मू शहर अब मंदिरों के शहर के साथ साथ प्रोटेस्ट का शहर भी बन चुका है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट करता हुआ देखने को नजर आता है। इस समय हम हैं बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने इस समय रैबरे खेल वाले हैं, मेरे पीछे NYC वाले हैं, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ रहवले जंगलात वाले हैं। लगातार कई महीने कई दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से इनकी डिमांड है कि इनकी पॉलिसी को लागू किया जाए। देखो मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आइए कवरेज करने के लिए। हमारा जो प्रोटेस्ट यहाँ 21 दिनों से चल रहा है, आश्वासन की बात छोड़ें, इस टाइम हम उस चीज़ पर नहीं हैं। हमने एक क्लियर कट मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है, जब तक हमारा रिटर्न ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम ना ये प्रोटेस्ट ऑफ करेंगे। ऐसा ना हो, 21 डेज हो गए हैं, ये हमारा सबर देख रहे हैं। किसी दिन, जिस दिन ये सबर टूट गया तो जम्मू की कोई भी कोचे से गाड़ी नहीं चलेगी, हम सब के सब लोग रोड पे आएंगे और फैमिली ले के आएंगे। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उसके अलावा रही आश्वासन की बात, हमें आश्वासन किसी का नहीं चाहिए, ना ट्वीट चाहिए। इस बार क्लियर कट बात है, हमें चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिटर्न में ऑर्डर। जो कैबिनेट ऑर्डर हमारा था, जिसको जिस पॉलिसी को हमने ज्वाइन किया है रैबरे खेल को, वो इसलिए हमने उस टाइम ज्वाइनिंग किया है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्कीमें पहले से लॉन्च हो चुकी थी, रैबरे तालीम और रैबरे ज़रात। वो भाई हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कन्फर्मेशन ले चुके हैं रैबर स्कीम से। इसी तरह से हम लोगों का भी पैटर्न बनाया गया है। हमारी जो पोस्टें रखी गई थी वहाँ जाओ, कैबिनेट ने फ्रीज में रखी थी, उनको डिफ्रीज करने वाला जो पॉइंट है गवर्नमेंट का, हम उस पॉइंट को हमेशा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक उन पोस्टों को, जब तक हमारी कंफर्मेशन नहीं हो जाती है, तब तक आप उन पोस्टों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर कट मैसेज है हमारी गवर्नमेंट के लिए। जैसे कि आपके साथी ने कहा कि जब तक हमारा रिटर्न में नहीं आ जाता, हम इसी तरह से लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी हाल ही कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर लाठी चार्ज भी हुई। तो इस तरह के प्रोटेस्ट इतनी कड़कती ठंड में, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आपको आश्वासन है? आपने लाठी चार्ज की, उस लाठी चार्ज का एक शिकार मैं भी हूँ, मुझे भी लाठी चार्ज वहाँ पे, मेरे पे भी हुआ था। तो और दूसरी रही आपने कहा प्रोटेस्ट, आज तो हम खाली टीचर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी फॉग है, कि अगर 10 मीटर की दूरी पे दूसरा इंसान खड़ा तो वो भी नहीं दिखता है, इतनी ठंड है यहाँ पे। आज हम खाली टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स और जो मेल टीचर्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी जो यकीन दहानी नहीं होती इन रिटर्न में, बातों से नहीं, इन रिटर्न में अगर हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पेरेंट्स, हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो रोड पर नहीं होंगे। ये क्लियर एंड मतलब हम इसमें आप थ्रेड समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए, जो आपको समझना आप समझ लीजिए, वो दिन दूर ही जिस दिन हमारी फैमिली जो है रोडों पे नहीं होगी। हमारी दो ही डिमांड है गवर्नमेंट की के पास, इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं है। अगर BJP वाले चाहे और LG एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, BJP का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर UT जो है, इसका कहीं ना कहीं हाथ BJP का है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो केयर टेकर हैं इस टाइम यहाँ जम्मू एंड कश्मीर UT के, वो होम मिनिस्टर साहब हैं। हम सेंटर में जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी से मिले हम लोग, हमारा डेलीगेशन वहाँ पे मिला, उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल साफ अल्फाज में बताया कि आपका मसला खाली होम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं हल। तो दैट मीन कि ये सीधा कहीं ना कहीं कंसर्न BJP के साथ है, और BJP के जो बड़े लीडर हैं यहाँ के, वो ऑन कैमरा बोलते हैं। एक प्रेजिडेंट की बात तो बहुत बड़ी बात है, अगर प्रेजिडेंट की बात कोई नहीं मानेगा तो आम जनता की बात कौन सुनेगा। हमारी गवर्नमेंट के पास इस टाइम दो ही डिमांड से, पहला जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है 7 साल का, उसको 5 साल में रिड्यूस किया जाए, जिसकी हम जंग लड़ रहे थे। 4 सालों तक हमें ये एश्योरेंस देते रहे कि आपका मसला हम हल करेंगे, और बाद में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला वहाँ पर, मेमर्स वाला ऑर्डर, वो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके 4 पॉइंट आपने डाले थे, 3 पॉइंटों को हम सल्यूट करते हैं, 1000 बार बोलेंगे आप हमारी वेरिफिकेशन कितनी बार कराओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो कैबिनेट ऑर्डर है उसके साथ छेड़छाड़ मत करें। अगर हमारी पॉलिसी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं बाज़ाब्ता तौर पे कि आपकी पॉलिसी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट कर सकते हैं, टाइम हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था, तो 7 सालों को 5 सालों में लाएँ, हमारी पहली डिमांड ये है। दूसरा ये डिमांड है जो फ्रीज और डिफ्रीज वाला मसला है, हम अच्छे से काम करते हैं, साल के बाद वो आगे वो ऑर्डर आ जाता है, उस ऑर्डर को ख़त्म करें, रिटर्न में ऑर्डर निकाल दें, हमारा प्रोटेस्ट ऑफ हो जाएगा। अगर रिटर्न में ऑर्डर नहीं देंगे, हम किसी की ट्वीट में नहीं आने वाले हैं, ना किसी की बात सुनने वाले हैं। इस बार हम ऑर्डर लेके यहाँ से जाएंगे, वरना हम जाने वाले नहीं हैं।
देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है इस सेंटर गवर्नमेंट से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो यहाँ के बीजेपी के जो हमारी कमेटी बनाई थी या बीजेपी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हमने चुना था, तो हमें तो उनसे पूरी होप है, क्योंकि जिस तरीके से हमें अशोर किया गया था और अभी भी किया है, हम उम्मीद रखेंगे कि आज की कमेटी की जो मीटिंग है उसमें कुछ ना कुछ बेहतर आएगा। क्योंकि युवाओं की बात करते हैं और युवा आज इतनी कड़कती ठंड में रोडों पर है, तो इनको चाहिए युवाओं के लिए सोचना और इसके लिए कोई कंक्रीट डिसीजन देना। ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी बंद होनी चाहिए, क्योंकि यूथ ही नेशन बिल्डर्स है। अगर आप यूथ को नहीं संभाल पाएंगे तो जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेके जाएंगे, हम भारत को आगे कैसे लेके जाएंगे हम तरक्की की तरफ। तो इसीलिए चाहिए कि युवाओं के फ्यूचर के बारे में सोचना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि युवा ही देश को आगे बढ़ा सकता है, ये हम कहना चाहते हैं। जी, मैं फरहाना मुश्ताक हूँ, NYC हूँ मैं। तो हमारा यही, मेरा यही जो है इस वक्त ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव डिसीजन ही लेके आएगी, क्योंकि जो सरकार है आज सेंटर में भी वही है और यहाँ पे हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो भी वही हैं, सेम पार्टी के हैं। तो इससे लगता है हमें ऐसा ही कि हमें इस बार एक अच्छी जॉब पॉलिसी के साथ ही यहाँ से हम जाएंगे और हमारी रिपोर्ट हमारे हक में ही इंशाल्लाह होगी, क्योंकि हमें अल्लाह पर पूरी उम्मीद है कि 13 सालों से हम डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो परमानेंट मुलाजमों से भी ज़्यादा काम हम करते हैं डिपार्टमेंट्स में, और ये सबको पता है, हमें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दी जाती हैं, वो उसका प्रूफ है। तो इसलिए हम पॉजिटिव रेस्पॉन्ड ही हमें गवर्नमेंट से मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। मैम, आश्वासन तो उन्होंने दिया ही है और उस आश्वासन का नतीजा यही है कि कमिटी फॉर्म की थी हमारे को सोल्यूशन प्रोवाइड करने को, और उसका रिजल्ट आज कल में आने की उम्मीद है और हम होप कर रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। क्या लगता है कि आप इतने लंबे समय से आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, अब आप जैसे कह रही हैं कि कहीं एक होप जागी है और कहीं ये आपको लग रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो आपकी तरफ पॉजिटिव ही होगा, तो कितना चांसेस लग रहे हैं आपको? मैम, मैं आपको एक ही बात बोल सकती हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अब चांसेस और वो मैम वो ना हमारा वो जा चुका है, बिकॉज 5 साल से स्ट्रगल भी कर लिया और उससे 5 महीने ज़्यादा काम भी कर लिया और एडमिनिस्ट्रेशन के कान तक बात पहुंचाने की अपनी जितनी कोशिश थी हमने सब कर ली। बीइंग क्वालिफाइड यूथ, हम जितना डिसेंटली और जितना अच्छे से बिहेव कर सकते थे वी हैव डन इट ऑल, एंड अब बस उतना ही है कि अब हम रोड्स पे आ गए हुए हैं और हमारे लिए कमिटी फॉर्म की है, आफ्टर सो मैनी रिक्वेस्ट हमारे लिए फॉर्म कर दी गई है और उसका जो अब रिजल्ट आएगा बस उसका ही एक वेट है। मैम वो नहीं बता सकती कितना परसेंटेज हमें है होप या जो भी, आश्वासन पे आश्वासन लगातार लंबे समय से ये आश्वासन पे आश्वासन बने हुए हैं, चाहे हम बात करें रह भरे खेल की, चाहे हम बात करें रह भरे जंगलात की, या बात करें NYC की। लंबे समय से सरकार इन्हें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर इन्हें आश्वासन दे रही है, अब आने वाले समय में ये आश्वासन कितना पॉजिटिव होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राकेश कोहली के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।